हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम पुष्पेंद्र एंड वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अनोदर, अदर और एनी अदर। जनरली क्या होता है, हम अनोदर, अदर और एनी अदर के जो यूज़ में हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाती है हमें कि भैया अनोदर कब यूज़ करना था, अदर कब यूज़ करना था और एनी अदर कब यूज़ करना था। तो इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक है इन तीनों में, अनोदर, अदर, एनी अदर। अनोदर का आपको जो यूज़ करना है हमेशा आपको सिंगुलर के साथ करना है। किसके साथ करना है आपको इसका यूज? सिंगुलर के साथ करना है, एक वचन के साथ करना है अनोदर का यूज। आपको अदर का यूज जो करना है वो हमेशा प्रूलर के साथ करना है। प्रूलर मतलब आपका बहुवचन। एक से ज्यादा की जब बात हो रही हो तो आपको अदर का यूज करना है। एक से ज्यादा की जब बात हो रही हो तो आपको अदर का यूज करना है, प्रूलर में यूज करना है। और इन दोनों, अब मेन चीज तो क्या हो गई, ये दोनों बात आपने समझ ली कि चलो अनोदर का यूज सिंगुलर के साथ करेंगे, अदर का यूज प्लूरल के साथ करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ही हैज परचेज्ड अनोदर कार, मतलब उसने एक और कार परचेज करी। तो अनोदर कार एक है, कार एक की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ पे अनोदर वर्ड यूज किया। सेकंड, शी हैज विजिटेड अदर प्लेसेस। प्लेसेस यहाँ पे प्लूरल है, प्लेसेस आपका क्या है यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, अदर यूज किया। और यहाँ पे कार क्या है आपका सिंगुलर है, सिंगुलर है इसलिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे अनोदर यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अनोदर और अदर इन दोनों का यूज़ हमेशा, अनोदर और अदर दोनों का जो यूज़ होता है आपको सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में करना है, पॉजिटिव सेंटेंस में करना है। कहाँ करना है आपको इसके दोनों का यूज, अनोदर हो चाहे अदर हो, आप हमेशा इनका यूज करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में। ये आपकी मेन कन्फ्यूजन जो थी वो क्लियर है। आपका जो अनोदर और जो अदर है इन दोनों का यूज़ हमेशा किस में होगा, पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। जी हाँ, पॉजिटिव सेंटेंस में। और साथ में आपका चाहे तो आप इसको इंटरोगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव प्लस इंटरोगेटिव। लेकिन आपको जो मेन, अब जो दूसरा आने वाला है एनी अदर, एनी अदर इसका यूज़ सिंगुलर प्लस प्रूलर दोनों में ही करूंगा मैं। सिंगुलर में भी करूंगा इसका यूज़ और प्रूलर में भी करूंगा, लेकिन इसका यूज़ जो करते हैं, जो मेन चीज़ है वो करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में। कहाँ यूज़ करते हैं इसका, हम नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ करते हैं। जैसे आई हैवंट सीन एनी अदर प्लेस, दे हैवंट परचेज्ड एनी अदर बुक। एनी अदर का जो हम यूज़ करेंगे वो किसके साथ करेंगे, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में चाहे वो सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि वो आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। जैसे आई हैवंट सीन एनी अदर प्लेस, तो ये आपका सिंगुलर है, अदर प्लेस तो आपका ये सिंगुलर है, सिंगुलर है, बट ये आपका क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे क्या है आपका, ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, एनी अदर का यूज़ करेंगे। आई दे हैवंट परचेज्ड एनी अदर बुक्स, बुक्स यहाँ पे क्या है आपका प्रूलर फॉर्म है, बुक्स आपका यहाँ पे क्या है प्रूलर फॉर्म है। और आप यहाँ पे परचेज ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव और आपका चाहे वो सिंगुलर हो प्रूलर हो वी डोंट केयर, हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, एनी अदर यूज़ करना है। हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पे, एनी अदर यूज़ करना है। तो और आपका अगर अनोदर और अदर है तो आपको पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करना है। अनोदर का यूज़ करना है आपको एक वचन के साथ और अदर का यूज़ करना है आपको बहुवचन के साथ। तो होप यू गाइस आपको ये अनदर, अदर और एनी अदर इन तीनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। और अगर आपको और भी कोई नए टॉपिक पर अगर कोई आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको उस पर वीडियो बनाकर दूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।